पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन रखना चाहते हैं, और अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान का सर बुलंद करा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स के गेम जैसे चल रहे हैं उसके अंदर जो है एक गेम था थ्रो का, तो उसके अंदर पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का प्राउड अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन रखना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान को हमेशा सर बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान की जो है अपनी गलतियां हैं कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को आगे प्रमोट नहीं करा जाता, जिसकी वजह से वो लोग रह जाते हैं। आप अरशद नदीम को देख लें कि ये बेचारा बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, मगर इसने जो है हिम्मत नहीं हारी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, ये इसने जद्दोजहद करी। आज जब वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया तो आज जो है उसको कोई 10 लाख रुपए का इनाम दे रहा है, तो कोई 5 लाख रुपए का, कोई 10 करोड़ रुपए का, कोई 5 करोड़ रुपए का उसे इनामात दिए जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमारी जो है दूसरी अदर्स टीम जो है उनको भी पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलती, कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से फंडिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स नहीं बन पाते और वो पीछे रह जाते हैं। इसी तरीके से हमारी हॉकी, हमारी फुटबॉल, इनको भी जो है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है इन शोबों को भी आगे लेकर आए, और जो लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं उन लोगों को जो है फंडिंग दी जाए, ताकि वो उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिससे वो बंदा जो है आसानी से अपना टास्क मुकम्मल कर सके और वो पाकिस्तान का नाम रोशन रख सके। पाकिस्तान के लिए हर बंदा खेलना चाहता है, और अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान का सर बुलंद करा है। और इंडिया की जब इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान जब दो मुल्क ऐसे आमने सामने आते हैं, तो मैच कोई सा भी हो, वो मैच भले से हॉकी का हो, वो चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, मगर वो उस गेम के अंदर इंटरेस्ट जो है हाई हो जाती है। और इस ओलंपिक के गेम में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान और एक और कंट्री, तीन जो है टॉप 3 थे जो कि जिन्होंने ये विदड्रॉ करा, और फिर उसके अंदर अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स का जो है विदड्रॉ सबसे लंबा हाईएस्ट करा, और ये तारीख का 40 साल तारीख का सबसे लंबा विदड्रॉ हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए इसी तरीके से अरशद नदीम हो चाहे और दूसरे बंदे हो, वो बस पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, रोशन करते रहें। और हमारे मुखालिफ जितने भी हैं, वो चाहे इंडिया हो या दूसरी अदर्स टीम हो, उनका सर इसी तरीके से पाकिस्तान नीचे करता रहे, और पाकिस्तान हमेशा बस खुशियां ही पाकिस्तान के नसीब में हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।